मॉर्निंग स्टूडेंट्स माँ मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास इलेवेंथ का नाइन्थ चैप्टर परमुटेशंस एंड कम्बिनेशन की एक्सरसाइज नाइन पॉइंट फाइव करेंगे जिसमें जो कंसेप्ट रहेगा परमुटेशन विद रेपिटेशन अब स्टूडेंट्स हम परमुटेशन विद रेपिटेशन में सबसे पहले परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम वैन रेपिटिशन इज अलाउड उसने कहा है कि एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट हमारे पास जिसमें से हमने आर एक बार में जाया जब रेपिटिशन इज अलाउड है तो हमारे पास कितनी होगी नंबर ऑफ परमोटेशन नंबर ऑफ परमोटेशन होगी स्टूडेंट नंबर ऑफ परमोटेशन हमारे पास होगी एन रेस्ट टू पावर आर ये फार्मूला रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास कैसे स्टूडेंट्स देखिए अब मेरे पास एन ऑब्जेक्ट हैं टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं एन अब मैंने लेने कितने एक बार में आर यानी आर प्लेस फील करनी है यानी हमने हमारे पास प्लेस कितनी है आर प्लेस हैं अप टू आर प्लेस अब मैं मेरे पास रेपिटेशन अलाउड है यानी जो फर्स्ट प्लेस है वो एन ऑब्जेक्ट में से फील होगी तो फर्स्ट प्लेस फील इन एन वे में क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है एन वे और सेकंड प्लेस इज आल्सो एन वे में और थर्ड प्लेस स्टूडेंट्स वो भी एन वे में क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है तो वो जो ऑब्जेक्ट आया है हमारे पास वो दोबारा भी आ सकता है इसी तरह से स्टूडेंट्स आर्थ प्लेस कितने वे में होगी वो भी एन वे में तो स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल परमुटेशन कितनी आएगी टोटल परमुटेशन परमुटेशन आएगी हमारे पास यानी बाय फंडामेंटल बाय एफपीसी कहें हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पहले ऑब्जेक्ट के एन वे है दूसरे ऑब्जेक्ट के सिलेक्ट होने के एन वे तीसरे के भी एन वे और लास्ट वाला है उसके भी एन वे है यानी आर्थ जो ऑब्जेक्ट है उसके भी कितने हैं एन वे यानी ये एन कितनी बार टाइम हो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा अप टू आर टाइम अब स्टूडेंट्स अगर एन हमारे पास अब ये एन की पावर आर कैसे बनेगा अगर एन मेरे पास एक बार मल्टीप्लाई है एन दो बार मल्टीप्लाई तो एन की पावर दो हो जाएगा एन तीन बार मल्टीप्लाई तो एन की पावर तीन हो जाएगा एन चार बार मल्टीप्लाई होगा तो एन की पावर चार हो जाएगा और एन अगर आर टाइम मल्टीप्लाई तो एन की पावर कितना हो जाएगा आर हो जाएगा जब रेपिटेशन अलाउड है अब देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देता हूँ देखिए सपोज मेरे पास ए बी सी मेरे पास थ्री लेटर हैं थ्री लेटर हैं ए बी सी अब मेरे पास यानी एन की वैल्यू कितनी है थ्री अब स्टूडेंट्स मैंने दो लेटर के डिफरेंट वर्ड बनाने हैं तो कितने बनेंगे दो लेटर के हमने दो लेट टू लेटर कोड कहे या टू लेटर का वर्ड बनाएं तो विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग तो कितने बनेंगे? तो हमारे पास इफ़ रेपिटीसन इज अलाउड इफ़ रेपिटीसन रेपिटिशन इज अलाउड तो टू लेटर के लेटर कोड कितने बनेंगे यानी आर की वैल्यू मैंने एक बार में कितने लेने हैं दो लेने हैं आर की वैल्यू कितने है? दो यानी टू लेटर कोड बनाने हैं तो एक तो ए बी हो जाएगा एक बी ए एक बी सी एक सी बी एक ए सी एक सी ए ये तो कब है स्टूडेंट्स इतनी छ छः तो तब तब बनेंगे स्टूडेंट जब रेपिटेशन अलाउड नहीं है लेकिन अगर रेपिटेशन अलाउड है तो पहला भी ए आ जाए दूसरा भी ए आ जाए पहला बी आ जाए दूसरा भी आ जाए पहला सी आ जाए दूसरा सी आ जाए यानी टोटल कितने हो गए हमारे पास नाइन हो गए स्टूडेंट्स और ये देखिए अगर फार्मूले में रखे एन रेस टू पावर आर में यानी थ्री रेस टू पावर आर आर कितना है दो थ्री का स्केयर कितना हो गया नाइन हो गया स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट्स इसी तरह से अगर मुझे थ्री डिजिट्स गिवन है तो टू डिजिट्स के ये मेरे पास वन टू थ्री ये थ्री डिजिट्स गिवन थ्री डिजिट्स हैं मेरे पास अगर मैंने ये कहा कि टू डिजिट्स के कितने नंबर बन सकते हैं यानी एन की वैल्यू कितनी है थ्री और आर की वैल्यू कितनी लेने में टू टू डिजिट्स के नंबर कितने बन सकते हैं स्टूडेंट्स यानी हमारे पास एक तो वन टू बन जाएगा एक टू वन बन जाएगा एक वन थ्री बन जाएगा एक थ्री वन जाएगा, एक थ्री बन जाएगा एक थ्री टू बन जाएगा एक टू थ्री बन जाएगा इसके अलावा देखिए स्टूडेंट्स को ये और बन सकता है इफ़ रैपिटीशन इज़ नॉट अलाउड इफ़ रैपिटिशन इज़ नॉट अलाउड तो ये बनेंगे इफ़ रैपिटिशन इज़ अलाउड इफ़ रेपिटीशन इज़ अलाउड तो हमारे पास वन वन भी बन सकता है वो दोबारा आ सकता है उस प्लेस पे टू टू भी बन सकता है और थ्री थ्री भी बन सकता है ये कितने हो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ यानी एन यानी थीन की पावर दो नौ अब बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग करें यानी जो मैंने टू डिजिट्स के नंबर बनाने हैं यानी पहला जो डिजिट है यानी यूनिट प्लेस वाला डिजिट मैंने कितने डिजिट्स में चूज करना है थ्री में से उसके पास सेलेक्ट होने के थ्री वे है और जो टेन प्लेस वाला है जो डिजिट यहाँ पे आ गया है वो दोबारा भी आ सकता है यानी टेन प्लेस वाले के भी पास कितने ऑप्शन है थ्री ऑप्शन है यानी तो भी हमारे पास कितना आएगा थ्री का स्केयर यानी अगर हमने परमोटेशन करनी है एन ऑब्जेक्ट में की जिसमें आर को एक टाइम में लेना है तो फार्मूला क्या रहेगा वेन रेपिटेशन इज अलाउड अलाउड एन एन रेस्ट टू पावर आर और अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो हमने ये वो किया है इफ़ रेपिटेशन इज नॉट अलाउड वो कौन सा फार्मूला किया है हमने स्टूडेंट्स रेपिटेशन इज नॉट अलाउड वो हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग द्वारा भी किया था और ये हमने फार्मूला किया था एन पी आर ये कब लेना है जब रेपिटेशन अलाउड नहीं है और जब रेपिटेशन अलाउड है स्टूडेंट्स तो हमने कौन सा फार्मूला लेना है एन रेस्ट टू पावर आर अब स्टूडेंट्स जो सेकेंड फार्मूला इस एक्सरसाइज में हम लोग यूज करेंगे वो कौन सा है स्टूडेंट नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट ए टाइम वेयर पी ऑब्जेक्ट आर लाइक एंड ऑफ वन काइंड क्या ऑब्जेक्ट आर अलाइक एंड ऑफ अनादर का स्टूडेंट उसने कहा एन ऑब्जेक्ट हमें जीवन है उनकी अगर सभी को हम एक बार में ले लें यानी एन के एन ऑब्जेक्ट की हमने प्रमोटेशन यानी अरेंजमेंट करनी है जिसमें से उसने कहा है पी ऑब्जेक्ट आर अलाइक यानी कुछ ऑब्जेक्ट यानी मान लो दो ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं फिर तो उसने कहा क्या ऑब्जेक्ट आर अलाइक और तीन ऑब्जेक्ट क्या की वैल्यू सपोज करो तीन ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं और आर ऑब्जेक्ट और पांच ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं और बाकी के ऑब्जेक्ट क्या है डिफरेंट हैं तो फैक्ट उसका फार्मूला क्या रहेगा एन का फैक्टोरियल अपॉन पी का फैक्टोरियल क्याओ का फैक्टोरियल आर का फैक्टोरियल उसने कहा है भाई यानी पी ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं क्या ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं और आर ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं तो हमारे पास यानी रिपीटेड हैं वो तो ये फार्मूला हमारे पास रहेगा अब स्टूडेंट्स आपको मैं विदि एग्जाम्पल समझा रहा हूँ सपोज मेरे पास परमुटेशन वर्ड है परमुटेशन, परमुटेशन वर्ड है अब मुझे इसके सभी लेटर की अरेंजमेंट करनी है पी ई आर एम यू टी ए टी आई ओ एन एस अब परमोटेशन के सभी लेटर के अगर मुझे अरेंजमेंट करने तो कितने लेटर हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह यानी एन की वैल्यू कितनी है बारह अब मैंने देखा जो टी ऑब्जेक्ट हैं टी दो ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं यानी जो टी है वो कितनी टाइम्स है टू टाइम्स और ई है हमारे पास दोबारा आर नहीं है एम भी नहीं है यू भी नहीं है टी है ए भी नहीं है आई भी नहीं है ओ भी नहीं है एन भी नहीं है और एस भी नहीं है बस टी ही एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जो दो बार है तो इसमें नंबर ऑफ परमोटेशन इसकी टोटल अरेंजमेंट कितनी बनेगी स्टूडेंट्स ट्वेल्व का फैक्टोरियल अपॉन टू का फैक्टोरियल अब एक और एग्जाम्पल देता हूँ स्टूडेंट्स में सपोज़ मेरे पास वर्ड है पी ए पी ए पापा वर्ड है मेरे पास सपोज स्टूडेंट्स अब टोटल एन की वैल्यू कितनी है टोटल फोर है जिसमें ए कितनी बार है ए है टू टाइम्स यानी कुछ ऑब्जेक्ट दो बार हैं यानी पी ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं ये पी ऑब्जेक्ट हैं एक जैसे और यहाँ पे पी भी कितनी बार है टू टाइम्स ये है क्याऊ ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं तो इसकी टोटल नंबर ऑफ परमोटिवेशन कितनी कितनी अरेंजमेंट बनेगी तो हमारे पास बनेगी बाय फार्मूला फोर का फैक्टोरियल अपॉन अगर पी एक जैसे हैं तो अपॉन टू का फैक्टोरियल क्या एक जैसे हैं यानी ये क्या है तो वो भी टू का फैक्टोरियल यानी फोर का फैक्ट फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन अपॉन टू का फैक्ट टू इंटू वन इंटू टू इंटू वन तो टू से टू कैसे आंसर टू, टू से टू, टू थू थू six letter, कर, के आंसर टू थ्री जो सिक्स अब सिक्स डिफरेंट लेटर वर्ड बनेंगे स्टूडेंट्स यानी इसकी अरेंजमेंट के इसके लेटर को अरेंज करके अब कौन कौन से बनेंगे पहला तो पापा है पी ए पी ए दूसरा है पी पी ए, ए दो फिर ए पी ए पी तीन फिर ए पी पी ए चार और फिर स्टूडेंट्स पी ए, ए पी पाँच और फिर आ गया हमारे पास एक आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास ए, ए पी पी अब छः अरेंजमेंट बने इसके अलावा हम इसके कैसे भी आगे पीछे किसी भी तरह से अरेंज करें इससे ज्यादा नहीं बनेगी और हमने देखी फार्मूले से भी हमने कितनी निकाली थी छः अरेंजमेंट अब स्टूडेंट्स सपोज मैं अपनी तरफ से एक वर्ड लेता हूं पी ए पी एम एम और टी एम अब देखिए स्टूडेंट अब इसके सभी लेटर की अरेंजमेंट करनी है मेरे पास ये लेटर हैं इनकी अरेंजमेंट करनी है अब ये फार्मूला समझा रहा हूँ अब यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है टोटल ऑब्जेक्ट एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नौ अब यहाँ पे ए कितनी बार है एक दो यानी ए यानी ए कितनी टाइम है टू टाइम्स है यानी ये गया पी पी ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं ए जैसे हैं और P हमारे पास कितनी बार है ये भी हमारे पास टू टाइम्स है A हमारे पास तीन बार है स्टूडेंट थ्री टाइम्स है। और P कितनी बार है टू टाइम्स है। ये क्या ऑब्जेक्ट यानी ये क्या ऑब्जेक्ट है एक जैसे और M हमारे पास कितनी बार है थ्री टाइम्स है। और M कितनी बार है थ्री टाइम्स है और बाकी जो T है वो डिफरेंट है T ऑब्जेक्ट यानी ये हो गया हमारे पास P, ये हो गया ये हो गया हमारे पास P यानी P की वैल्यू कितनी आ गई थ्री क्यू की वैल्यू टू आ गई और आर की वैल्यू कितनी आ गई थ्री आ गई यानी तीन ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं दो ऑब्जेक्ट पी जैसे हैं तीन ऑब्जेक्ट एम जैसे हैं तो, तो टोटल अरेंजमेंट कितनी बनेगी स्टूडेंट्स एन यही फार्मूला एन का फैक्ट्री एन का फैक्टोरियल अपॉन पी का फैक्टोरियल क्या का फैक्टोरियल आर का फैक्टोरियल यानी एन मीन्स नाइन का फैक्टोरियल अपॉन थ्री का फैक्टोरियल टू का फैक्टोरियल और थ्री का फैक्टोरियल तो इतनी अरेंजमेंट बनेगी स्टूडेंट्स हमारी टोटल तो अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखते हैं हमने ये दो फार्मूलाज को यूज करना है इस एक्सरसाइज में अब देखिए स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मैनी वेज कैन फाइव एप्पल बी डिस्ट्रीब्यूटेड पाँच एप्पल को कितने तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अमाउ फोर बॉयज चार बॉयज़ के बीच में हम पांच एप्पल को कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दे एर बींग नो रिस्ट्रिक्शन टू द नंबर ऑफ एप्पल्स ईच बॉय में गेट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नंबर ऑफ एप्पल किसी भी बच्चे के पास कितने भी आ सकते हैं अब देखिए अब जो यानी पांच एप्पल हैं और चार बॉयज़ हैं जाएँ यानी पहला जो एप्पल है वो किसी को भी मिल सकता है चार में से यानी पहले एप्पल के भी कितने वे हो गए हमारे पास चार दूसरे एप्पल के भी चार वे हो जाएंगे तीसरे के भी चार वे चौथे के भी चार और पाँचवें एप्पल के भी चार तो यानी चार की पावर पाँच हो जाएगा स्टूडेंट सिंपल से तो नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं तो आप देख सकते हो स्टूडेंट स्टेटमेंट आपने खुद उतारनी है आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये देखिए ये है लास्ट पेज तो देखिए नंबर ऑफ एप्पल कितने हैं स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एप्पल फाइव हैं और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं नंबर ऑफ बॉयज़ हैं हमारे पास फोर सो ईच एप्पल कैन बी distributed distributed एनी ऑफ फोर boys प्रत्येक एप्पल किसी भी चार लड़कों में से किसी को भी दे सकते हैं हम लोग नंबर ऑफ वे इन विच फाइव एप्पल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड तो कितने हो गए स्टूडेंट्स हमारे पास वो हो गए फोर रेस टू पावर फाइव यानी पहले एप्पल के भी हमारे पास हम देखिए तो नहीं पहला एप्पल भी चार वे से चार बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है दूसरा एप्पल भी चार बच्चों में तीसरा भी किसी को मिल सकता है चौथा एप्पल भी किसी को और पाँचवा एप्पल भी किसी भी बच्चे को मिल सकता है तो यानी चार की पावर पाँच अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स हम इन हाउ मैनी वेज फोर प्राइज बी गिवन टू थ्री बॉयज़ वेन ए बॉय इज इलिजिबल फॉर दी ऑल दी प्राइज यानी एक बॉय अगर सभी प्राइज ले सकता है तो चार प्राइज कितने तीन बॉयज़ में कितने वे दे सकते हैं देखिए स्टूडेंट्स नंबर ऑफ़ प्राइज कितने हैं नंबर ऑफ़ प्राइज हैं हमारे पास फ़ोर और नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं थ्री तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है यानी पहला प्राइज भी किसी भी बच्चों को मिल सकता है ईच प्राइज कैन बी गिवन एनी ऑफ द थ्री बॉयज एनी ऑफ थ्री बॉयज़ पहला प्राइज़ किसी भी बच्चे को मिल सकता है दूसरा भी किसी को भी, तीसरा भी किसी को चौथा भी किसी को यानी पहले प्राइज़ के भी कितने वे हो गए हमारे पास स्टूडेंट्स पहला प्राइज किसी भी बच्चे को मिल सकता है यानी हमारे पास तीन बच्चे हैं तो पहले प्राइज़ कभी ती, तीन में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है तो यानी एन की वैल्यू हमारे पास हमारे पास कितनी आ गई स्टूडेंट्स थ्री और आर की वैल्यू कितनी है फोर तो एन टू पावर आर यानी बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग करें कि पहला प्राइज़ भी तीन बच्चों में यानी हमारे पास चार प्राइज है यानी जो फर्स्ट प्राइज़ है उसके भी पास कितने ऑप्शन हैं थ्री ऑप्शन है सेकेंड प्राइज़ के पास भी तीन ऑप्शन है थर्ड प्राइज के पास भी तीन ऑप्शन है और फोर्थ प्राइज के पास भी तीन ऑप्शन तो हमारे पास कितना आया थ्री रेज टू पावर फोर अब थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं स्टूडेंट्स थर्ड उसने कहा है ए बॉय हैज थ्री पॉकेट्स इन हाउ मैनी वेज कैन ही पुट सिक्स मार्बल्स इन हीज पॉकेट तीन पॉकेट हैं एक बच्चे के पास वो छः मार्बल्स को यानी छ मार्बल हैं उसके पास कंचे जिसको हम बोलते हैं तो कितने वे से थ्री पॉकेट्स में रख सकता है आप अब स्टूडेंट देखते हैं नंबर ऑफ पॉकेट्स नंबर ऑफ पॉकेट्स कितनी है हमारे पास स्टूडेंट्स थ्री और नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं हमारे पास सिक्स यानी पहले मार्बल के भी पास भी कितने ऑप्शन है थ्री पॉकेट्स में जाने के ऑप्शन है दूसरे के भी तीसरे यानी हम ये कह सकते हैं ईच ऑफ मार्बल कैन बी पुट इन एनी ऑफ थ्री पॉकेट्स एंड दिस कैन बी डन इन थ्री वेज ये कितने वे से हो सकता है स्टूडेंट्स थ्री वेज से हो सकता है यानी पहले मार्बल के पास भी कितने ऑप्शन हैं थ्री ऑप्शन है दूसरे के पास भी थ्री ऑप्शन है तीसरे मार्बल के पास भी थ्री चौथे के पास भी यानी टोटल न, हमारे पास कितने होंगे? तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वे कितने होंगे? सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए स्टूडेंट्स हमारे पास थ्री रेस टू पावर सिक्स नेक्स्ट करते हैं हम स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसका ए लेटर लॉक कंसिस्ट ऑफ फोर रिंग ईच मार्क सिक्स डिफरेंट लेटर फाइंड इन हाउ मैनी वेज इट इज पॉसिबल टू मेक एन अनसक्सेसफुल अटैम्प टू ओपन दी लॉक। उसने कहा है स्टूडेंट्स एक लेटर लॉक है जो फोर रिंग से बना हुआ है और प्रत्येक रिंग पे सिक्स डिफरेंट लेटर हैं यानी ईच रिंग मार्क्ड विद सिक्स डिफरेंट लेटर यानी ईच रिंग मार्क्ड विद सिक्स डिफरेंट लेटर प्रत्येक रिंग पे सिक्स डिफरेंट लेटर है फाइंड इन हाउ मैनी वेज इट इज़ पॉसिबल टू मेक एन अनसक्सेसफुल टू ओपन द लॉक अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट लॉक को ओपन करने के लिए कितनी बन सकती है टोटल अटैम्प्ट कितनी बनेगी स्टूडेंट्स देखिए जो फर्स्ट रिंग है उस पर सिक्स डिफरेंट लेटर है और वो सिक्स डिफरेंट लेटर अपने आप को कितने वे से अरेंज करते है सिक्स वे में सेकेंड रिंग में सिक्स वे में थर्ड रिंग में सिक्स वे में और फोर्थ रिंग में सिक्स वे में तो टोटल नंबर ऑफ वे कितने हो गए स्टूडेंट्स जिसमें वो अपने आप को अरेंज कर सकते हैं तो सिक्स टू पावर फोर हो गए ये टोटल अटैम्प्ट होगी और ये तो सभी अटैम्प्ट लेकिन एक अटैम्प्ट लोग खुलेगा तो यानी उस अटैम्प्ट को माइनस कर देंगे तो टोटल अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट बच जाएगी हमारे पास तो so, यानी हमारे पास नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन है नंबर ऑफ रिंग्स हैं फोर नंबर ऑफ लेटर हमारे पास कितने हैं स्टूडेंट्स सिक्स हैं सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ये फोर रिंग्स हैं स्टूडेंट्स फोर रिंग्स हैं तो इस पर सिक्स डिफरेंट लेटर इस पर भी सिक्स है इस पर भी सिक्स है इस पर ये भी सिक्स वे में अरेंज कर सकते हैं यहाँ पे ये भी सिक्स वे में अरेंज कर सकते हैं इसमें भी सिक्स वे में तो टोटल सिक्स है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट अरेंजमेंट कितनी हो स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ दीज लेटर ऑफ दीज लेटर कितनी होगी सिक्स रेस टू पावर फोर होगी यानी टोटल अटैम्पटेशन होगी यानी टोटल टोटल अटैम्प टोटल अटैम्प्ट कितनी होगी स्टूडेंट्स हमारे पास सिक्स रेस टू पावर फोर तो जिसमें एक सक्सेसफुल अटैम्प्ट भी है तो नंबर ऑफ टोटल अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स सक्सेसफुल वाली एक ही है ना अटैम्प्ट हो जाएगी सिक्स रेस टू पावर फोर में से एक माइनस कर देंगे हम लोग तो स्टूडेंट इतनी हो जाएगी हमारे पास टोटल अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट तो ये आ जाएगी सिक्स थर्टी सिक्स बारह सौ छियानवे में से हमारे पास एक है बारह सौ पचानवे नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है देखिए स्टूडेंट्स देर आर थ्री ब्लू बॉल्स फोर रेड बॉल्स एंड फाइव ग्रीन बॉल्स इन हाउ मैनी वेज कैन दे बी अरेंज इन ए रो कितने वे से वे अपने आप को अरेंज कर सकती है एक रो में देखिए दोबारा आप स्टेटमेंट चेक कर सकते देर आर थ्री ब्लू बोल थ्री ब्लू और फोर क्या है रेड बॉल है और फाइव ग्रीन बोल है तो यानी नंबर ऑफ ब्ल्यू बोल कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास वो है हमारे पास स्टूडेंट्स थ्री नंबर ऑफ़ रेड बॉल कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास वो है फोर और ग्रीन नंबर ऑफ़ ग्रीन बॉल कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास वो है फाइव तो टोटल बॉल्स कितनी आ गई हमारे पास वो आ जाएंगी स्टूडेंट्स हमारे पास पाँच और चार नौ और तीन बारह तो यानी बारह बॉल हैं और इनको अरेंजमेंट करनी है तो यानी टोटल एन की वैल्यू कितनी हमारे पास बारह है अभी फार्मूला बताया था लास्ट वाला मैंने पी की वैल्यू थ्री है यानी तीन बोल एक जैसी है क्या की वैल्यू आर चार बोल एक जैसी है और आर की वैल्यू पाँच बोल एक जैसी है मैंने बताया था अभी फार्मूला थोड़ी देर पहले यानी पी ऑब्जेक्ट एक जैसे क्या ऑब्जेक्ट एक जैसे और आर ऑब्जेक्ट एक जैसे तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी बनेगी सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी बनेगी स्टूडेंट्स हमारे पास अभी मैंने फार्मूला बताया था आपको एन का फैक्टोरियल अपॉन पी का फैक्टोरियल क्यों का फैक्टोरियल आर का फैक्टोरियल यही था फार्मूला वो जिसमें पी ऑब्जेक्ट एक जैसे क्यू ऑब्जेक्ट एक जैसे और आर ऑब्जेक्ट एक जैसे यानी तीन बोल एक जैसी हैं चार बोल एक जैसी और पाँच बोल एक जैसी है यानी एन की वैल्यू कितनी है बारह बारह का फैक्टोरियल अपॉन थ्री का फैक्टोरियल फोर का फैक्टोरियल और ट्वेल्व का फाइव का फैक्टोरियल तो बारह का फैक्टोरियल ट्वेल्व इंटू इलेवन इंटू टेन इंटू नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव का फैक्टोरियल तक खोल दिया और थ्री का फैक्टोरियल थ्री इंटू टू इंटू वन और फोर का फैक्टोरियल फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन तो स्टूडेंट्स और ये फ़ाइव का फैक्टोरियल ऐसे का ऐसे इससे ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से टू और थ्री से सिक्स कैंसिल हो गया और यहाँ से तीन यहाँ से यहाँ से हो गया स्टूडेंट्स तीन चौके बारह चार से चार कैंसिल और दो से ए, ये कैंसिल हो गया तो आठ तो हमारे पास ये बन गया न हो छत्तीस छत्तीस एकम छत्तीस और छत्तीस एकम छत्तीस और तीन उनतालीस उनतालीस सौ साठ और ये सेवन भी पड़ा स्टूडेंट इंटू सेवन करेंगे सेवन जीरो जीरो सात छः बयालीस सात निम्न तिरसठ और चार सतासठ सात इक्कीस और छः सत्ताईस तो हमारे पास ताईस हज़ार सात सौ बीस अरेंजमेंट होगी इन बोल्स की नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम सिक्स क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन क्या है देखिए? हाउ मैनी टू डिजिट्स नंबर लेस देन हंड्रेड कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स वन थ्री फाइव सेवन नाइन वैन द डिजिट मे बी रिपीटेड सौ से छोटे कितने नंबर बन सकते हैं इन डिजिट्स के यूज से जब रेपिटेशन इज अलाउड यानी गिवन डिजिट्स कितने हैं स्टूडेंट्स गिवन डिजिट्स हैं हमारे पास यानी वन थ्री फाइव सेवन नाइन तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने गिवन है नंबर ऑफ डिजिट्स एक दो तीन चार पाँच पाँच इफ़ वी वांट अगर हम चाहते हैं नंबर नम, नंबर नंबर लेस देन हंड्रेड लेस देन हंड्रेड देन दीज आर वन डिजिट एंड टू डिजिट्स नंबर टू डिजिट्स नंबर तो कितने होंगे स्टूडेंट्स टोटल नंबर तो टोटल नंबर वन डिजिट नंबर कितने बन सकते हैं इसमें तो नंबर टोटल वन डिजिट्स नंबर इफ रेपिटिशन इज अलाउड है इफ़ रेपिटीशन इज अलाउड भी यहां लिख दे रेपिटिशन इज अलाउड तो नंबर वन टोटल नंबर वन डिजिट नंबर कितने बनेंगे स्टूडेंट वो तो हमारे पास एक डिजिट है तो हमारे पास एक दो तीन चार पाँच तो फाइव ही बनेंगे और एंड टू डिजिट टोटल टू डिजिट्स नंबर कितने बनेंगे अब टू डिजिट्स नंबर बनाने हैं स्टूडेंट्स यानी पहला डिजिट भी हमारे पास पाँच में से चूज होगा वैन रेपिटेशन इज अलाउड और दूसरा भी पाँच में से चूज होगा बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल अकाउंटिंग पहला भी पाँच में से दूसरा भी पाँच में से यानी फाइव रेस् टू पावर टू हमारे पास इस एक्सरसाइज में क्या फार्मूला है एन रेस्ट टू पावर आर यानी फाइव रेस्ट टू पावर टू हो जाएगा स्टूडेंट्स यानी फाइव इन फाइव ओके अब टोटल नंबर कितने कितना है एन फाइव टू पावर टू मीन्स ट्वेंटी फाइव तो टोटल नंबर लेस देन हंड्रेड लेस देन हंड्रेड कितने बन गए स्टूडेंट्स हमारे पास पांच तो एक डिजिट के बने और पच्चीस टू डिजिट्स के तो यानी तीस नंबर बन गए हमारे पास <स्टुण> तो स्टूडेंट्स हमारे पास तीस नंबर बन गए जो हंड्रेड से लेस देन रहेंगे स्टूडेंट्स उसने ये पूछा है हाउ मैनी टू डिजिट्स नंबर सिर्फ उसने टू डिजिट्स नंबर पूछा है तो टू डिजिट्स पूछा है तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स ये पहली लाइन हम यहाँ से क्या कर देंगे इरेज कर देंगे तो यानी हमारे पास वो कितने बनेंगे पच्चीस तो इसका आंसर है पच्चीस तो हमने ये भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टूडेंट्स उसने सिर्फ टू डिजिट्स नंबर पूछा है तो टोटल टू डिजिट्स नंबर कितने बनेंगे लेस देन हंड्रेड लेस देन हंड्रेड वो आ गए हमारे पास ट्वेंटी फाइव तो टू डिजिट्स पूछा था अगर वो कहता कि टोटल नंबर कितने हंड्रेड से छोटे तो उसमें वन डिजिट के भी आएंगे तो वन डिजिट्स में मीन्स नंबर और ऐड हो जाएंगे वो इस वे से हो जाता जैसे मैंने पहले बताया था अब सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स सेवेंथ क्वेश्चन में उसने क्या कहा है हाउ मैनी फोर डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वेन ए डिजिट मे बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन एनी अरेंजमेंट यानी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स ये हैं हमारे पास स्टूडेंट्स साथ में एक दो तीन चार पाँच छः यानी छः हैं छः कौन से हैं फ्र, फ्र, फ्रॉम वन टू तो सिक्स वन टू वन टू तो सिक्स वो एक से छः तक छः नंबर हैं तो टोटल फोर डिजिट्स नंबर बनाने हमने तो वी रिक्वायर्ड फोर डिजिट्स नंबर विद दी हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ ऑफ गिवन फोर नंबर गिवन, गिवन नंबर्स, गिवन सिक्स नंबर गिवन है ना वन टू सिक्स तक तो यानी हमें फोर डिजिट्स के बनाने हैं एक दो तीन चार तो पहला जो न, डिजिट्स डिजिट पहला जो न, जो प्लेस है वो भी छः में चूज होगी यानी छः में से कोई भी आ सूसरे प्लेस पे छः में से कोई आ सका तीसरे पे छः में से कोई चौथे यानी एन की टोटल नंबर तो हमारे पास छः है और आर कितना है हमारे पास फोर वैन रेपिटिशन इज अलाउड वैन रेपिटिशन इज रेपिटीसन इज अलाउड तो हमारे पास एन की वैल्यू सिक्स आर की वैल्यू फोर तो एन रेस्ट टू पावर आर है फार्मूला तो सिक्स टू पावर फोर तो आ जाएगा बारह सौ छियानवे बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल यानी पहले जो पहला जो प्लेस है उसमें वो भी सिक्स हो सके दूसरी भी सिक्स में तीसरी भी में और चौथी भी में तो हम किसी भी वे से कर सकते हैं स्टूडेंट्स अब एर्ट्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स एर्थ क्वेश्चन उसने क्या कहा है हाउ मैनी थ्री डिजिट्स नंबर कैन बी फाउंड बाय द यूजिंग द डिजिट जीरो वन थ्री फाइव सेवन वैन दी डिजिट में भी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम जब डिजिट कितनी भी बार आ सकता है तो हमारे पास स्टूडेंट्स एट्थ क्वेश्चन में गिवन डिजिट्स कौन कौन से हैं गिवन डिजिट्स है हमारे पास जीरो वन थ्री फाइव सेवन तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं हमारे पास स्टूडेंट्स एक दो तीन चार पाँच तो फ़ वी वांट थ्री डिजिट्स नंबर थ्री डिजिट्स नंबर अगर हम ये चाहते हैं कि थ्री डिजिट्स के नंबर बने तो ये देखिए अगर जो फर्स्ट प्लेस है यानी जो पहली प्लेस है यानी पहली पोजीशन पे जीरो नहीं आएगा क्योंकि अगर फर्स्ट प्लेस पे जीरो आ गया यानी फर्स्ट प्लेस कौन सी है हंड्रेड प्लेस हंड्रथ प्लेस पे जीरो नहीं आए अगर वो जीरो आ गया तो वो टू डिजिट्स का रह जाएगा तो यानी हम कह सकते हैं इफ वी वांट थ्री डिजिट्स नंबर देन देयर शुड नॉट देयर शुड नॉट जीरो डिजिट जीरो ऑन हंडर्ड प्लेस हंड्रथ प्लेस हंड्रेड प्लेस पे जीरो नहीं आना चाहिए सो so, हम ये कह सकते हैं सो हंड्रेड हंड्रेड प्लेस चूज इन चूज इन कितने वे में बाकी चार में से कोई भी नंबर आ जाए चूज इन फोर वेज और बाकी की दो पोजीशन है उन पे तो चाहे जीरो भी आ जाए और क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है तो ये बाकी जो नंबर यहाँ पे आया है हंड्रेड प्लेस पे, वो दोबारा भी आ सकता है यानी अदर रिमेनिंग टू प्लेस फील्ड इन कितने वे में स्टूडेंट्स फाइव रेस्ट टू पावर टू वे में यानी एन रेस्ट टू पावर आर में यानी फाइव रेस टू पार्ट टू में यानी पहले पहली प्लेस तो चार में से चूज होगी स्टूडेंट बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में ये रफ में वर्क कर रहा हूँ दूसरी पे कोई भी पाँच में से कोई भी आ जाए तीसरी पे पाँच में से कोई भी आ जाए बीच में तो जीरो आ सकता है तो हमारे पा पाँच की पावर दो हो गए यहाँ पे तो इफ़ रेपिटेशन इज अलाउड लिख सकते हैं हम इफ रेपिटेशन इज अलाउड तो टोटल थ्री डिजिट्स नंबर कितने बन गए थ्री डिजिट्स नंबर यूजिंग गिवन डिजिट्स गिवन डिजिट्स इफ रेपिटीसन इज अलाउड रेपिटीसन इज अलाउड तो हमारे पास कितने बन गए स्टूडेंट्स फोर इंटू फाइव का स्केयर यानी पच्चीस चौके सो तो हंड्रेड बन गए हमारे पास टू डिजिट्स uh, के थ्री डिजिट्स के नंबर अब स्टूडेंट्स हम नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं तो नाइन्थ क्वेश्चन क्या है देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन में उसने कहा हाउ मैनी नंबर कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स वन टू थ्री फोर थ्री टू वन टेकन ऑल टूगैदर सो दैट दी ओड डिजिट्स ऑलवेज ऑक्यूपाई दी ओड प्लेसेज उसने कहा है इन सभी डिजिट्स का यूज करके हम कितने नंबर बना सकते हैं अगर सबको यूज कर लें सो दैट ओड जो डिजिट्स हैं वो हमेशा ओड प्लेसेज पे रहे ओड डिजिट ओड प्लेसेज पे रहे अब स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन डिजिट्स देखते हैं कितने हैं तो गिवन डिजिट्स गिवन डिजिट्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स वन टू थ्री फोर थ्री टू वन तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स ये हैं स्टूडेंट्स हमारे पास एक दो तीन चार पाँच छः सात सेवन हैं और जिसमें ओड डिजिट्स कितने हैं हमारे पास एक दो तीन चार तो नंबर ऑफ ओड डिजिट्स वो हैं हमारे पास फोर तो नंबर ऑफ उसने कहा है ओड डिजिट ओड प्लेसेज पे रहे यानी एक दो तीन चार पाँच छः सात ये प्लेसेज हैं प्लेसेज कौन सी हैं ये फर्स्ट प्लेस सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ तो ओड प्लेसेज कितनी होगी स्टूडेंट्स सो वी हैव सो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ एंड सेवन सो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ एंड सेवंथ वी हैव वी हैव फर्स्ट थर्ड फिफ्थ एंड सेवन्थ ओड प्लेसेज। यानी हमारे पास ओड प्लेसेज कितनी हैं तो नंबर ऑफ ओड प्लेज कितनी हमारे पास नंबर ऑफ ओड प्लेसिज वो है हमारे पास चार तो ओड नंबर है वो कितने वे से अरेंज कर सके चार का फैक्टोरियल सो फोर ओड नंबर इन विच इन विच जो थ्री है हमारे पास वो कितनी बार है थ्री हमारे पास ये आप देख सकते हो दो बार है एंड एक भी कितनी बार है दो बार है इन विच वन अक्कर टू टाइम्स एंड थ्री अक्कर तीन कितनी बार आए हुआ है टू टाइम्स तो फोर ओड नंबर इन विच वन अकर टू टाइम्स थ्री अकर टू टाइम्स कैन बी अरेंज कैन बी अरेंज कितने भी में अरेंज हो सकते हैं स्टूडेंट्स ये ये हो सकते हैं फोर का फैक्टोरियल और तीन कितनी बार है स्टूडेंट्स दो नंबर ऐसे हैं जो एक जैसे हैं दो नंबर एक जैसे हैं यानी तीन दो बार है तो दो नीचे दो का फैक्टोरियल और एक भी दो बार है स्टूडेंट्स तो एक भी दो बार है यानी दो नंबर ऐसे हैं वो एक जैसे हैं यानी पी नंबर एक जैसे हैं और क्या वो यानी वन भी एक एक जैसे हैं यानी अगेन टू का फैक्टोरियल यानी एक भी दो बार है तो दो का फैक्टोरियल तो चार का फैक्टोरियल चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक और दो का फैक्टोरियल टू इंटू वन और टू इंटू वन तो दो दूनी चार चार तीन दूनी छः यानी छः तरीके से हमारे पास ओड नंबर एडजस्ट हो जाएंगे अरेंज हो जाएंगे अब नाउ इवन नंबर थ्री देर आर थ्री इवन नंबर सो वी हैव थ्री इवन प्लेस थ्री इवन प्लेस तीन इवन प्लेस हमारे पास सो so, थ्री इवन नंबर इवन नंबर इन विच इन विच हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स जो टू है वो दो टाइम है तो इन विच टू अक्कर टू टाइम्स कैन बी अरेंज कैन बी अरेंज कितने वे में अरेंज हो सकते हैं कैन बी अरेंज इन कितने वे में स्टूडेंट्स थ्री का फैक्टोरियल अपॉन दो दो बार है टू का फैक्टोरियल तो थ्री का फैक्टर थ्री इंटू टू इंटू वन अपन टू का फैक्टर टू इंटू वन इससे एक answer. तो थ्री वे में तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए स्टूडेंट्स सो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच गिवन नंबर कैन बी अरेंज सो दैट ओल्ड नंबर ओक्यूपाई ओल्ड प्लेसेस ओल्ड नंबर के पास ओल्ड प्लेसेस आए तो कितने हो गए स्टूडेंट्स छ वे ये हुआ है छ वे से तो ये अरेंज हो सकता है तीन वे से ये अरेंज हो सकें तो टोटल तो 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 नंबर वे सिक्स इंटू थ्री यानी हमारे पास एटीन वे जो हो गए सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही बाकी के इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मच